हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी की स्माइल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साड़ी पहनने का एक बहुत ही अलग तरीका। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने साड़ी लिया है। साड़ी को जैसे हम नॉर्मली सभी साड़ियों को टक करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इस साड़ी को भी हम टक करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, पर थोड़ा सा अलग स्टाइल है इसका। मेरी एक सब्सक्राइबर है वंदना, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं डिटेल में बताऊं कि साड़ी को कैसे पहनना है। तो मैं बहुत ही जल्द डिटेल में भी वीडियो लेके आने वाली हूँ। ये वीडियो पहले से ही शूट करके रखा गया था, इसके लिए मैं पहले इसे एडिट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इस तरह से टगिंग अच्छे से करने के बाद साड़ी का जो पल्लू है, पूरी साड़ी को हम लेफ्ट हैंड साइड से घुमा कर राइट हैंड साइड की तरफ लेकर आएंगे। और रफली यहाँ पर नॉर्मली हम पल्लू को पहले बनाकर सेट कर लेंगे। बाद में मैं आगे की वीडियो में डिटेल में आपको दिखाने वाली हूँ कि आप साड़ी के पल्लू को कैसे सेट करें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अलग स्टाइल है और बहुत ही सिंपल स्टाइल है। तो इस तरह से आप शादी में या किसी पार्टी में आप साड़ी पहन सकते हैं। तो सभी आपको पूछेंगे कि आपने ऐसी साड़ी पहनना कहाँ से सीखा। बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है, और ख़ासतर इस तरह की जो बॉर्डर वाली साड़ियाँ होती है या फिर इस तरह से जड़ी वर्क की जो साड़ियाँ होती है, इस पर आप पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। या फिर सिंपल साड़ी रहेगी, सिर्फ उस पर बॉर्डर रहेगा, यानी प्लेन साड़ी पर सिर्फ बॉर्डर रहता है, उस साड़ी पर भी आप इस तरह से स्टाइल करेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। सो यहाँ पर पिन लगाने के बाद पल्लू का ये जो साड़ी का पार्ट है, इसे हम आगे की तरफ लेकर आएंगे। तो ऐसा नहीं है बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टाइल है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस लुक को क्रिएट कर पाएंगे, और किसी भी पार्टी में या फिर किसी भी फंक्शन में आप इस तरह से साड़ी पहन के इंजॉय कर सकते हैं, जो आपके लुक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और सभी आपसे पूछेंगे कि आपने ये स्टाइल में साड़ी पहनना कहाँ से सीखा। सो आप उनको बता सकते हैं आपने मेरे यूट्यूब चैनल से सीखा है। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर अभी आपको जो है मेन फोकस करना है, ये जो हमारा साड़ी का बॉर्डर है, इसे आपको यहाँ से पीछे की तरफ से इस तरह से लेकर आना है। और यहाँ पर आगे की तरफ हम इसका जो है छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे, और यही है हमारी साड़ी का मेन स्टाइल। सो इस तरह से प्लेट्स को गैदर करेंगे, और फिर पीछे की तरफ आपको ध्यान देना कि बहुत ही नीचे तक ये बॉर्डर ना हो। तो लुक को भी ध्यान में रखते हुए कितना ऊपर रखना है कितना नीचे, उस हिसाब से आपको इसको स्टाइल करना है। अगर बहुत नीचे तक कर देंगे तो आपका लुक ख़राब हो जाएगा। सो देखिए, कुछ इस तरह से करना है। फाइनल लुक आपने स्टार्टिंग में देखा, और लास्ट में मैं वीडियो क्लिप ऐड करूँगी, सो आपको फाइनल लुक समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर जो हमने साड़ी को गैदर किया था, उसे अच्छे से हम छोटे छोटे प्लेट्स में सेट करेंगे, और उसके बाद हम इसे यहाँ पर नेवल के इस साइड में राइट साइड में लेकर पिनअप कर लेंगे। तो इसके लिए आपको एक बड़ी सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद यहाँ पर अच्छे से प्लेट्स को सेट करके आपको पिनअप करना है, ताकि ये फुगा हुआ ना दिखे। इस तरह की साड़ी पहनने के लिए आपको इस तरह की जो जड़ी वाली साड़ी आप यूज़ में ले सकते हैं, या फिर पूरी प्लेन साड़ी सिर्फ जिसमें बॉर्डर रहता है, आप उस साड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की दोनों साड़ियों में लुक काफ़ी अच्छा आएगा। या तो जड़ी वाली साड़ी ले लीजिए, या फिर पूरी प्लेन साड़ी जिसमें सिर्फ बॉर्डर रहता है। तो अगर आपको ये बॉलीवुड स्टाइल में साड़ी पहनना है, तो आपको इन दोनों साड़ियों में से ही साड़ियों का चुनाव करना होगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम प्लेट्स बना लेंगे। सो प्लेट्स यहाँ पर इस तरह से आपको पता ही होगा, सो यहाँ पर हमने प्लेट्स बना लिया है, और उसके बाद हम प्लेट्स को सेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे और भी बहुत सारे साड़ी ड्रेपिंग के वीडियो हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। नवारी साड़ी स्टाइल, सीधी पल्ली में साड़ी कैसे पहने, नई नवेली अगर शादी होने वाली दुल्हन कैसे साड़ी पहने, ओपन पल्लू, बहुत सारे स्टाइल हैं, आप चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, अब हम एक सेफ्टी पिन से, फैंसी सेफ्टी पिन से यहाँ पर हम सिक्योर कर लेंगे। तो इसके बाद अब हम फिर से देखेंगे कि आप पल्लू को कैसे सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इस तरह से साड़ी के जो दोनों बॉर्डर हैं, इनको आपको ज्वाइंट करना है, और पीछे की तरफ से इनको जो है सिक्योर करना है। तो इस तरह से जो है बॉर्डर सेटिंग का भी डिटेल में वीडियो में लाने वाली हूँ। सो यहाँ पर पीछे से हम पहले इनको सिक्योर कर लेंगे। एक बड़ी सी सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए आपको, क्योंकि ये जड़ी वर्क साड़ी है। और उसके बाद यहाँ पर इसे इस तरह से आपको जो इसके छोटे छोटे प्लेट्स हैं, आपको गैदर करके
फिर यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा लेनी है ताकि जिस हिसाब से आपने बॉर्डर को सेट किया उतना ही चौड़ा आपका पल्लू बने। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पीछे की तरफ ले जाकर हम इसे पिन लगा लेंगे शोल्डर के पास। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आप चाहें तो ओपन पल्लू रख सकते हैं या फिर इस तरह से आप अपनी साड़ी को यहाँ पर पल्लू को लाकर यहाँ पर शोल्डर के पास, राइट शोल्डर के पास पिनअप करके एक नया लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दोनों तरह से आप इस साड़ी को पहन सकते या फिर आप पल्लू को खुला रख दीजिए या फिर आप सर पे भी पल्लू ले सकते हैं या फिर इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।